हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं जो कि 2014 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में। ये मैथ का क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वालों के लिए। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सिद्ध करें कि बाहर के बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल से बोल रहा है कि बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से क्या करिए, 2 स्पर्श रेखा खींचिए सर्कल पे। तो यहाँ पे हम क्या किए, इस बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। चलिए अब क्या बोल रहा है कि जब ये स्पर्श रेखा जब हम बाहर के बिंदु से खींचेंगे तो ये जो है यहाँ पे हमारा स्पर्श रेखा बना, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो है बराबर होगी। यही हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से एक बार सुन लीजिए। एक सर्कल है, एक वृत्त है, एक वृत्त से हम एक बाहर एक पॉइंट लिए हैं, मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट से सर्कल पे क्या किए, हम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। कितना टेंजेंट? 2 टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो एक स्पर्श रेखा ये है और दूसरा स्पर्श रेखा ये है, और दोनों स्पर्श रेखा जो है वो इक्वल होगा। यही हमको प्रूफ करना है। चलिए, तो ये सर्कल है और ये सर्कल है हमारा और ये स्पर्श रेखा है। तो सर्कल और स्पर्श रेखा जहाँ पे टच करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं इसको। क्लियर है? क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा एक बी पॉइंट है, ये भी क्या है, स्पर्श बिंदु है। क्या है ये भी स्पर्श बिंदु है और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। चलिए अब यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाने वाला जो रेखा होता है वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी को ये मिलाने वाली रेखा जो क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, स्पर्श रेखा और सर्कल जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। और जब हम स्पर्श बिंदु और सेंटर को मिलाते हैं तो ये त्रिज्या बन गया, और ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ओ बी ओ और एक पी है। अब हम क्या करते हैं, ये सेंटर और ये जो बाहर का बिंदु है दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, हमको सिद्ध करना क्या है, हमको सिद्ध करना है स्पर्श रेखा की लंबाई ए पी और स्पर्श रेखा बी पी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। हमको यही सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पे ये कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पे ये कितना है, 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ पी और दूसरा है बी ओ पी। तो दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे दोनों ट्रायंगल को। ठीक है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों स्पर्श रेखा जो है क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए, ट्रायंगल ए ओ पी में, देखिए ए ओ पी में और ट्रायंगल बी ओ पी में, दोनों में क्या है, देखिए यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। कितना है, 90 डिग्री दोनों में। और यहाँ पे ओ पी
ओपी क्या है हमारा, ओपी जो है दोनों में, ओपी बराबर ओपी लिख सकते हैं, दोनों में क्या है कॉमन है। और यहाँ पे ओपी हमारा क्या है, ये ओपी हमारा कर्ण है, हाइपोटेनस है। क्यों कैसे कि देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए अगर ये ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है तो ये तो बेस हो सकता है या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, तो ये हम क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर इसको हम बेस लेते हैं तो ये हाइपोटेनस, और ये सॉरी अगर हम इसको बेस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस ये बेस या फिर क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर या फिर बेस, ये दोनों हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो या तो ये बेस हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो हम इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर। तो एपी क्या हो गया परपेंडिकुलर, और बीपी क्या हो गया परपेंडिकुलर, और एओ बेस और बीओ भी बेस, तो यानी कि ओपी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो देखिए एक ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी और ओपी दोनों में क्या है, इसमें भी ओपी है और इसमें भी ओपी है, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा कॉमन, इसीलिए राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड के द्वारा दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, तो जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं यहां पे क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, इफ टू ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देते हैं इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीओ बराबर एओ, ओपी बराबर ओपी कॉमन है, और यहाँ पे बीपी बराबर क्या हो जाएगा एपी, और हमको यही तो प्रूफ करना था, क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे इसको हम प्रूफ करेंगे, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, हम इसको फिर से प्रूफ कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में 5 मार्क्स सिद्ध करने के लिए पूछा गया था। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।